सो गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी, जा रहे हैं ददरी मेला। हो गए रेडी? कोट पहन के चलो। कोट क्या होता है? नहीं ब्लेजर पहन लो, बारात में जा रहे हो। वही तो ब्लेजर लग रहा है, क्या करने आया है ये? की हैरान परेशान है। ये देखिए डॉक्टर साहब को देखिए, सफाई कर्मचारी बने हुए हैं। चलो जी सब लोग आ गए, अब हम लोग चलते हैं दादरी मेला। दादरी नहीं, डैडी बोल रहे ददरी। ऋषभ आपको मैं याद है, मैं कॉलेज में थी तो मैंने क्या बोला था इसको? बबरी नहीं, दंगा दंगा मेला। क्या है ये? यार गाना बनने है यार। सो गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड ददरी मेला। अभी ये एंट्री ही है ना? पर हम कार भी पार्क करेंगे। सो गाइस कार पार्क हो चुकी है, हम लोगों ने अपने पहन लिए मास्क, हो गया इनका भी। चले गुंडे काय बने हुए हो। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं मेले में, एंड मैं आपको ददरी मेला के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। तो ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है, मतलब कि कैटल फेयर, जो कि लगता है उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बलिया में। एंड ये मेला हमेशा अक्टूबर नवंबर मतलब कार्तिक पूर्णिमा के आसपास ही लगता है। एंड बेसिकली ये मेला महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि के सम्मान में हर साल आयोजित किया जाता है। तो गाइज अब आगे चलते हैं, एंड वीडियो में आपको और भी इस मेले के बहुत सारी बातें एंड फीचर्स देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या मस्ती किया और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, खाने से लेके कपड़े एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमन तुम्हें पता है यहाँ से जब मैंने कुछ साल पहले इयररिंग्स लिया था, मतलब यार कॉलेज में होंगी तो बहुत 7-8-9 साल, तुम्हें पता है कितने रुपए की इयररिंग्स ली थी? मुझे आज भी याद है, 8 या 9 रुपए की, इतनी बड़ी इयररिंग्स 8-9 रुपए, जो मतलब बाहर में हमें 40-40 रुपए की मिलती थी। तुमको बहुत मजा आ रहा है, तुमको बहुत मजा आ रहा है, बताया तुम्हें नहीं क्या? ऐसा पढ़ू यहाँ पे सिर्फ हम लोग गाइस ने मास्क लगाया, वरना कोई भी हार्डली नहीं दिख रहा है मास्क लगा था। क्या मास्क? मास्क होता है? मास्क क्या होता है? मास्क मुंह की चट्टी फ्री है यहाँ। यहाँ कोरोना था ही नहीं बलिया में कभी। ओनली सिटी ऑफ इंडिया जिनकी कोरोना फ्री का शुरुआत। तो दोस्तों मेले में चलते चलते हमने एक पान वाले भैया दिख गए, एंड ऋषभ कैसे मन हो गया, तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। एंड वैसे भी बहुत टाइम हो गया ये सब खाए हुए, तो इसलिए मैंने और ऋषभ ने डिसाइड किया कि हम दोनों पान ले रहे हैं। अमन वॉज नॉट हैविंग। क्या है ये चीज क्या है? ये चटनी है मीठी। अच्छा इसे तो मीठा टेस्ट आ रहा है, हमको लगा ये सैनिटाइजर डाल दे। वाह भैया भरा जा, खाया नहीं। अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, भैया ठंडा भी है, बहुत बड़ा है। छोटा कर रहे हैं? अरे नहीं इतने में प्रो नहीं है। तो दोस्तों आइए अब आपको थोड़ा ददरी मेला घुमा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फंकी ज्वेलरी, गॉगल्स, टॉय की शॉप थी, एंड स्टेशनरी भी है साथ में। एंड ये वाली जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की शॉप है, ये मुझे काफ़ी पसंद आई एंड बहुत रिजनेबल था। मतलब ये जो आप चोकर सेट देख रहे हैं जिसके साथ इयररिंग्स भी है, तो वो बाहर 250-300 से कम का नहीं मिलता, बट यहाँ पे अंकल ने 120 बताया, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। ये किस लिए होता है? चूड़ी बैंगल्स। सो गाइज ये वाली जो शॉप थी, यहाँ पे सब कुछ वुडन का मिल रहा था, मतलब वुडन स्पैचुला, बेलन और बहुत सारे होम डेकोर की भी चीज़ें मिल रही थी, जो कि सारी वुड से बनी हुई थी। तो काफ़ी अच्छी शॉप थी, जैसे हम नैनीताल वगैरह में देखते हैं ना, कुछ उस टाइप की ही शॉप थी।
तो बस ये वाली जो शॉप है यहाँ पे सारा आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह मिल रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे झूले देखने को मिल रहे हैं। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, मेरे को डर लग रहा है। अमन को ले जाओ, अमन को। यहाँ तीन अच्छी लाइट आ रही है, अमन जाएगा। गाइस आपको दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं। हाँ कोलंबस तो ये भी है ना। अच्छा तो दिस इज व्हाट मैरी गो राउंड, बचपन की याद आ गई ना, बचपन की याद आ जाती है ऐसे मेले में भाई। फिर से बोलो असली वर्ड कुछ और बोला था सच्चे। ये लड़का खुद चला गया, इसको इतना जोश है झूले में बैठने का। दोस्तों यहाँ आके बचपन की याद आ गई है, मतलब बचपन में ऐसे झूले वगैरह पे आते थे, अब मेले लगते थे। अब मैं ददरी मेला में आई हूँ बहुत साल पहले। तो गाइस ऋषभ इस सामने वाले झूले पे बैठा, क्या नाम है इसका? सुपर ब्रेक। सुपर ब्रेक, मैं भी बचपन में बैठती थी बट अब नहीं कर लगती। मेरी तो हालत नहीं बैठने में, ये सब भाई साहब उल्टी कर दूंगा मैं तो। वो बैठ गए, उसका बहुत मन था तो हम लोग उसका उससे हम गाड़ी चाबी लेना भूल गए हैं, कहीं गिराना नहीं, बीच में ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग ने इसके पूरा शूट करेंगे ब्लॉग, अभी स्टार्ट नहीं है, आपको दिखाते हैं। अभी स्टार्ट हुई नहीं है, ऋषभ कहीं वहाँ है, दिखा गया दिख रहा है, मस्त है अपना। ऋषभ यहाँ है तो पता है पता चल करिए भाई, तुम पहले लड़के जो फोन लेके बोल रहे भैया को तुम मार के अमर कह रहा दांत मार। अरे मैंने खोला नहीं था, मेरा टूटा हुआ था यार, खोला नहीं था। पगलेट हो ना, कुछ भी मतलब। अरे यार हम लोग इतना हंसे है ना, मैंने कहा भैया तुम्हारे एडवेंचर के चक्कर में बगल वाले कह रहे थे भैया और तेज और तेज और तेज, शुरुआत में मैं भी कह रहा हूँ और तेज और तेज, लास्ट में जो तेज किया यार ये बगल बगल वाले लड़के के। कहा वेर कोलंबस? अरे नहीं भैया। अमन ऋषभ डेयर कह रहा है दोस्त को, मैं रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रही, आई एम नॉट गोइंग। अरे नहीं यार चलो और घूमते हैं। सो गाइस हम लोग झूला झूला के आए और हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि डोसा खा लें। काली माँ कैसा लगा है? दिमाग खुल गया है? नसें खुल गई है? नसें खुल गई है, दिमाग आउट हो गया। जब ऐसे किया मुझे तो लगा है मतलब अब बाहर ही आ जाएगा पूरा मुंह। अभी मुझे लगा डायरेक्ट मैं बैठ सकता हूँ इस वाले पे, इस पे बाबू झूला। बाबू हो क्या तुम? ऋषभ कह रहे हिल गया इसका दिमाग, क्या हो गया तुम्हारे दिमाग के साथ?
आगे का पीछे हो गया, पीछे का आगे हो गया, तो घूम गया पूरा झूले पे झूल के इसका पूरा दिमाग घूम गया। घंटा घूमो रोज सर्कस घूमो, पता नहीं हम लोग कहाँ, बस चले जा रहे हैं हम लोग। आ गया बड़े बड़े शहरों की तरह धूम मचाता हुआ, अब आपके शहर में बॉम्बे सेल। एक रात सर्कस है, हम लोग सोच रहे हैं कि जाएं स्ट्रीट पर घूम आए, देखते हैं पता नहीं कैसे सर्कस चलो।
few moments later. लाइट नहीं जल रही क्या इसमें? कुछ है पर्पल वाला लो तो जिसमें लाइट जल रही है। लाइट जल रही वो तो पर्पल वाले में जल रही है। कुछ टाइम में तो वो भी बंद हो जाएगी बाबू के लिए, क्योंकि बाबू का बॉल बंदर लेके चले गए। वी हैव टेकन दिस बॉल, चीचू वाली बॉल फॉर कीकी, क्योंकि उसकी बॉल बंदर ले गए। हाँ, उसकी एक ग्रीन कलर की बॉल थी और वो बंदर लेके चले गए। बंदर लोगों को लगा कि कुछ खाने का सामान है, तो बेचारे बाबू की बॉल ही लेके चले गए। तो पता पड़ा अभी कैसे मारा भैया का फायदा है, बैठा दो इनको। टाइट एकदम रखना, इसमें देखना है। यार हम बलून पे मारे हैं, किसी और को मत उड़ा देना बच्चा। तुम बलून मारो ना, बलून बलून से मारो, अच्छा लग रहा है। नहीं मेरी कैंडल बनाओ ये तुम देखिए अच्छा है, मस्त है। देखिए ये भी है अली भाई। कैसा है दोस्तों, आप लोग भी ये ट्राई करिए और बताइए कैसा रेसिपी। रेसिपी तो शेयर ही नहीं की गई है, लियो इलायची भी डाल दी ना। ये वाली तो बहुत सही है।